हाँ भाई, मैं तो यहीं पर हूँ। अरे भाई, आप फिकर मत करो, बराबर नजर है दोनों पर। हाँ हाँ, खाना वाना खिला दिया सब। ओके। ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पे? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है? ना ही रोज चलोगी तो अच्छा रहेगा। मैं तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आप ही को उठाना मुश्किल होता है। अरे रहने दो। अरे ये तो सोनू है, संजय का बेटा। किधर? अरे हाँ, ये तो अपना सोहन ही है। लेकिन कमाल है, संजय और रिचा ने इतनी अच्छी खबर हमें बताई क्यों नहीं कि सोहन वापस आ गया। अरे गोलू बेटा, अरे सोनू, तू कब वापस आया? कल्याणी दीदी, कल्याणी दीदी। कल्याणी, वो किधर है?
तुम ठीक तो हो ना? ये क्या बदतमीजी है? अरे बच्चे का हालचाल ही तो पूछे थे हम। क्या तुमने मेरे बेटे सोहन को नीचे बिल्डिंग में देखा? जी साहब, वो बिल्डिंग के गार्डन में खड़े होके ऊपर आप ही के घर की तरफ देख रहा था। क्या क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आप ही के सोहन था, मैंने अपनी आंखों से देखा, वहीं पर खड़ा था। अरे पागल, तो उसे ऊपर लेकर आना चाहिए था ना, या मुझे पता था, मैं नीचे चला था। साहब मुझे लगा कि इतनी रात को आपके दरवाजे में घंटी बजाऊंगा तो आप डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, और फिर मैंने ये भी सोचा कि शायद आपको पता होगा नीचे है। बेवकूफ है तू, बेवकूफ। सबको पता है कि मेरा बेटा सोहन 6 महीने से गायब है, वो बेचारा नीचे गार्डन में अकेला खड़ा था। तुझे क्या लगा तुम मुझे बताता कि वो मिल गया तो मैं तुझे डांटता? नहीं साहब, वो अकेला नहीं था। तो कौन था उसके साथ? उसके साथ कल्याणी भी थी। और फिर जब मैंने उसे ये कहने के लिए आगे बढ़ा कि रात बहुत हो चुकी है, जाओ अपने घर में, तो मुझे नजदीक आता देख दोनों जल्दी से भाग गए वहां से। रिचा, रिचा, रिचा संभालो अपने आप को, सोहन मिल जाएगा, सोहन मिल जाएगा रिचा। अरे संजय बेटा, बधाई हो भाई, तुमने बताया नहीं, सोहन और कल्याणी दोनों वापस आ गए। जी, आपको किसने बताया? अरे अभी अभी वो दोनों हमें गार्डन में दिखे, हम हालचाल पूछने आगे बढ़े तो डर के मारे भाग गए। कैसी है वो? संजय, संजय ये लोग क्या बोल रहे हैं? 6 महीने होकर मैंने सोहन को नहीं देखा, लेकिन अब मुझे छोड़ के सब मेरे बेटे को देख पा रहे हैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए संजय, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मुझे सोहन से मिलना है, मुझे अभी सोहन से मिलना है। रिचा, रिचा सुनो, अरे शांताराम। हाँ, कैसा है रे? अरे पूछ मत यार, थक गया हूँ, एकदम जम के नींद आ रही है भाई। अच्छा, क्या है, नाइट ड्यूटी थी एक, तो ऊपर से कांड हो गया सोसाइटी में। क्या हुआ, चोरी वोरी हुई क्या? नहीं रे, चोरी वोरी कुछ नहीं। क्या है ना, जिस बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ उस सोसाइटी में से 6 महीना पहले एक लड़का गायब हो गया था, जो कल रात अचानक मुझे दिखा। तुझे किधर? उधर ही अपने सोसाइटी में। जब उसे बात करने के लिए मैं आगे गया तो भाग गया वहां से जल्दी से। अब उसके चक्कर में गाली अलग से खानी पड़ी उसके बाप से। बता, ये आजकल के माँ बाप है ना, अपना दोष दूसरे पे थोप देते हैं। हाँ, वैसे उसके बाप का क्या नाम है? अरे सोसाइटी के ही संजय सेठ, उसी का बेटा सोनू, वही तो 6 महीना पहले से गायब था। संजय सेठ का बेटा सोनू तुम्हें दिखा? हाँ, और सिर्फ मुझे नहीं, सोसाइटी के कम से कम 5-6 लोगों ने देखा, जो भी बात करने जाए भाग जाता वहां से। और उसके साथ तो वो काम वाली लड़की भी थी साथ में। कल्याणी भी साथ में थी? हाँ कल्याणी भी। बाबू तुझे कैसे पता उस लड़की का नाम कल्याणी है? अब वो क्या है कि जब मैं तुम्हारी सोसाइटी के बाहर ठेला लगाता था ना, तो वो दोनों हमारी ठेले पे आइसक्रीम खाने आते थे। हाँ, लेकिन हमारे सोसाइटी के बाहर तू कब ठेला लगाता था भाई? मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कभी। शायद तूने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ध्यान तो रहता है मेरा बराबर। तू देख, रात का थका है और तुझे नींद भी आ रही है, तू आराम कर जाके, हम बाद में बात कर लेंगे। जा जा। अंकल मुझे मेरा सोनू वापस दे दो। मेरा सोनू कहाँ है? मुझे मेरे सोनू के पास ले चलो ना अंकल।
सोनो वापस दो ना अंकल, मेरी आइसक्रीम दो ना। बाबू भैया मुझे मेरा सोनो वापस दे दो ना। मेरी आइसक्रीम दो ना। मुझे मेरा सोनो वापस दे दो ना। बाबू भैया मुझे मेरा सोनू वापस दो ना। अंकल मेरी आइसक्रीम दो ना। माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पल्लवी मैडम ने बोला था करने के लिए। तो ये देख यहाँ पे कम से कम 5 आ सकते हैं। हवा पानी का क्या इंतजाम है? ये ड्रम में पानी भरा है और हवा के लिए एग्जॉस्ट भी है। ठीक है पर फांदा जरूरी है। नहीं यार फांदा नहीं है, वो प्रताप है ना गधा है, इतना नुकसान करा है ना क्या बताऊं, सब बंद करना पड़ गया उसकी वजह से। अब अपना धंधा चालू करें। अच्छा तो राणा को फोन कर दूं? नहीं राणा को ऊपर कॉल नहीं करना। अरे काम हम करते हैं फायदा तो उसी को होता है ना हमेशा, इन सब चीजों से बाहर रख इस बार उसको। इस बार करेंगे भी हम और खाएंगे भी हम। तू भी चल। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठ के अपने बच्चे का इंतजार करूंगी। संजय सोहन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? सबने उसे यहाँ पर देखा है फिर वो घर क्यों नहीं आ रहा? मुझे मेरा सोहन चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस।
सोहन वापस आ जाएगा। ऋचा हम उसे ढूंढ निकालेंगे, प्लीज तुम घर चलो, कुछ खा तो लो, तुम्हारी तबीयत भी खराब है, प्लीज घर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठ के सोहन का इंतजार करूंगी। ये क्या ऋचा, तुम्हें बुखार है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चलो प्लीज। मैं हूं ना, देखो मैं यहां बैठता हूं, सोहन का इंतजार करता हूं, तुम जाओ घर पे जाके आराम करो, चलो कम। नहीं संजय, मैं सोहन के बिना यहां से नहीं जाऊंगी। मैं तो सिर्फ कुछ घंटों से यहां बैठी हूं, लेकिन मेरा बेटा पिछले 6 महीनों में पता नहीं उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठकर सोहन का इंतजार करूंगी। देखो ऋचा प्लीज जिद मत करो, अंधेरा काफी हो गया, तुम जाके आराम करो, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। नहीं संजय, तुम क्यों जिद कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं सोहन को लिए बिना नहीं आऊंगी। ऋचा मैं जिद का कर रहा हूं, देखो मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारे भलाई के लिए तो कह रहा हूं। अच्छा बाबा तुम जीती और मैं हारा, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी। देखो तुम यहां बैठो आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और दवाई लेकर आता हूं, ठीक है, और ये पानी है पी लेना। क्या हुआ, हाँ किससे बात कर रही थी तुम?
बहुत गर्मी है ना, लो बेटा जूस पी लो। थैंक्स आंटी। तुम अकेली आई हो यहाँ पे? मम्मी पापा कहाँ हैं? वो घर पे। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, तुम रास्ते में जूस भी पी लेना। आंटी आप मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड को भी ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ ले आओ उसे भी। मैं भी लेके। हाँ ले आओ। तू सेम वाली गाड़ी है ना? सेम वाली मतलब? हम लोग पहले भी ऐसी कार में बैठ चुके हैं। अब चलो बेटा चलो चलो। चलो आ जाओ आओ। ये हम कहाँ आए? आप तो हमें हमारे घर ले जा रही थी ना? मुझे यहाँ थोड़ी देर का काम है। अमिया ले आना। हाँ बेटा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो? मेरा नाम कल्याणी है, मैं पास वाले शमशान में रहती हूँ। और तुम? मेरा नाम सोहन है और सब घर पे मुझे सोनू सोनू बुलाते हैं। सोनू? अच्छा बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा संजय और मम्मा रिचा। ये क्या हुआ? अबे तू गाड़ी निकाल। पल्लवी कोई नहीं है, जल्दी बैठ जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं हूं ना। पल्लवी दरवाजा खोलो प्लीज। पल्लवी पहचाना? देखो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। सच में कुछ नहीं किया। मैं जानती थी कि तुम उस पाप में मिले जरूर आओगी। अब आ ही गई हो तो तुम्हें जाने कैसे दूं? देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये जो सब किया राणा ने किया, ये किडनैपिंग वगैरह मैंने नहीं किया। सारा धंधा धंधा वो चलाता तुम पे। मैं सच में कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। हाँ मैं सच में कुछ नहीं किया। प्लीज जाना चाहती हो? हाँ तो जाओ।
ये मेरा बेटा है। आप लोगों ने इसे देखा है कहीं? जी नहीं। ये कई दिनों से लापता है। बहुत लोगों ने इसे आसपास देखा है। देखिए अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ये मेरा नंबर है प्लीज। हाँ बिल्कुल, बड़ा प्यार बच्चा है आपका। ये मेरा बेटा है। आपने आपने इसे कहीं देखा है? सोनू मेरे बच्चे। आखिर ये पल्लवी अपने आप को क्या समझती है? कल की आई हुई लड़की मेरे बिजनेस में घुस के मुझे कंपटीशन देगी। रोज फोन करती है मुझे, काम दे दो, और आज मेरा ही फोन नहीं उठा रही है। तू देख लेना, अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं दिखाता हूं उसे। बॉस एक बात बोलूं? बुरा ना मानियो, आपको नहीं लगता ये लड़की पल्लवी कुछ ज्यादा ही फरफर करके उड़ने लगी है? मुझे तो लगता है सारा पैसा अकेले हड़पना चाहती है, और सुनने में आया है कि अपना काम भी शुरू कर चुकी है। बॉस मतलब समझ रहे हो इस बात का? बहुत तेज चीज है ये, बहुत तेज चीज। अगर मुझे धोखा देने वाली बात सच निकली ना तो इस लड़की को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू देख चारों तरफ अच्छे से देख। बॉस यहाँ ही है। उधर कमरे में ना दो बच्चे सो रहे हैं। कहाँ पर? आप आइए मैं दिखाता हूँ। पल्लवी ने इन्हें नशा देकर सुला दिया होगा। उठा गाड़ी में डाल, चल। बार बार कुछ नहीं। बिजनेस में धोखे की कोई जगह नहीं होती। जब ये बच्चे नहीं मिलेंगे ना तब अकले ठिकाने आएगी पल्लवी की, समझा? बच्चों को उठा, गाड़ी में डाल। इंतजाम अच्छा किया पल्लवी ने। अरे तो अभी भी यहीं खड़ा है? बच्चों को गाड़ी में डाल, जल्दी कर। चलना, जल्दी करना।
ए रुक रुक रुक, ए रुक ना। इस संजय की तो अगर इसने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो पुलिस की पूछताछ फिर से शुरू हो जाएगी और मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। तू एक काम कर, इन बच्चों को लेके अड्डे पे पहुंच, मैं संजय का मुंह बंद करके आता हूं। हाँ, मैंने ही पोस्टर लगाए थे सोनू के सब जगह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए। देख संजू, हम कई सालों से अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरी बात मान, गड़े मुड़दे मत उखाड़, और ये सब करने से क्या होगा, तुम लोगों को और तकलीफ होगी। देख, सोनू को लापता हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और तुम लोग अब तक उसके आने की उम्मीद लगाए बैठे हो। क्यों नहीं होगी उम्मीद, अगर मैंने अपने बच्चे को देखा होता तो एक पल के लिए मैं मान भी लेती कि मेरे मन का वहम है, लेकिन बिल्डिंग के गार्ड ने, यहाँ रहने वाले लोगों ने देखा है मेरे सोहन को। सोहन को देखा है? हाँ, और वो अकेला नहीं, कल्याणी भी उसके साथ, और इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सच सच बताओ, उस रात क्या किया तुम लोगों ने? मां कसम खा के बोलता बॉस, वो सोहन जिंदा हो ही नहीं सकता। जिंदा नहीं हो सकता? अपनी गलती छुपा रहा है ना तू? मेरी कोई गलती है ही नहीं, ये सब प्रताप की गलती है, उसकी वजह से हुआ है। खाना पानी नहीं दिया उन बच्चों को और इस कमरे में बंद रखा, बांध कर, हवा ना पानी ना खिड़की ना रोशनदान, ये तो लगता है सांस चढ़ गई होगी उनकी। सांस चढ़ने से वो लोग मर गए तो लोगों को कहां से दिखाई दे रहे हैं? क्या क्या क्या, 6-7 लोगों ने देखा उन्हें। और सुन, अगर वो बच्चे पुलिस के हाथ लग गए ना तो हम सब अंदर हो जाएंगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ, सच सच बता उस रात क्या हुआ। बॉस, वो बच्चे मर चुके हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें मरा हुआ देखा है, और फिर प्रताप की गलती को छुपाने के लिए उनकी लाश को यहाँ पीछे गाड़ दिया हमने। चल 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 चल, मुझे दिखा कहाँ गाड़ दिया। यहीं पे गाड़ा था हमने उन्हें। तो देख क्या रहा है, खोदना। मैंने कुदाल तो लिया। जा। बॉस, लाश यही होनी चाहिए, यही गाड़ा था हमने उन्हें। यही गाड़ा था तो कहाँ है लाशें, खोद। ये जल्दी करना। हाँ बॉस, कर रहा हूं। बॉस यहां पर तो पत्थर है। तो क्या करूं, निकाल पत्थर। क्या हुआ, डर क्यों रहा है, भूत देख लिया क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है बॉस, तो फिर लाशें कहाँ गई? ये तो तू बताएगा ना कि बच्चों की लाशें कहाँ गई।
बॉस, हमने खुद यहाँ गाड़ा था उन्हें, और मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तूने अभी यहाँ पे देखा है? मुझे बेवकूफ मत बना। नहीं बॉस। नहीं भाई, कुछ नहीं। पहले वो संजू के बेटे का जाके गेम करते हैं, फिर जाके पल्लवी से निपटेंगे। चल यहाँ से निकल। ये तो वही ट्रक है ना, जिसमें हम पिछली बार बच्चों को किडनैप करके लाए थे? हाँ, सोहन और कल्याणी की किडनैपिंग। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। ये आवाज किसकी आ रही है? जा, जाके देख। अरे जाना। अंकल, मुझे घर लेकर चलो, मुझे घर जाना है। तुम कौन हो तुम? बॉस, 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 ये सब क्या हो रहा है? बॉस, ये सब क्या हो रहा है? ये ऑन कैसे हो गया? ये ट्रक में तो कोई नहीं है, ये अपने आप चालू कैसे हो गया? चलो रिचा। Thank you.
थैंक यू कल्याणी, मेरे सोनू के साथ हमेशा रहने के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.